नमस्कार भाई लोग। तो हम आज जो है वर्ड मीनिंग याद करेंगे, कुछ वर्ड मीनिंग साथ में याद करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस से हो जाएगा ये कि याद हो जाएगा हमें वो अच्छे से। तो शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है अबैक। अबैक का मतलब होता है देखिए। दूसरा है अबैकस। अबैकस एक खेलने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है छोटे बच्चों के लिए, जिससे कि आप जोर घटाओ और भागा सीखते हैं बचपन में। उसके बाद है अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है किसी प्राणी या वस्तु को सदा के लिए छोड़ देना जिसका दायित्व तो आप पर हो। उसके बाद है अबैंडन्ड। अगर आपने पहले ही उस वस्तु को छोड़ दिया है तो यानी कि आपने उसे अबैंडन्ड कर दिया है। उसके बाद आता है अवेस्ट। अवेस्ट किसी पर लज्जित या शर्मिंदा। अवेस्ट का मतलब होता है किसी पर लज्जित या शर्मिंदा। अगर आप किसी पर लज्जित या शर्मिंदा है तो यानी कि आप अवेस्ट है। उसके बाद है अबेट। अबेट का मतलब प्रकोप या प्रभाव का कम हो जाना या कम करना। अबेट का मतलब है प्रकोप या प्रभाव का कम हो जाना या कम करना। आगे है अबेस। ईसाई या धार्मिक समाज की प्रमुख महिला को अवेस कहते हैं। ईसाई या धार्मिक समाज की प्रमुख महिला को अवेस कहते हैं। उसके बाद है एवे। अनेक भवनों वाला बड़ा गिरजाघर जहाँ साधु समाज और साध्वी समाज के सदस्य रहते हैं या थे। यानी कि अनेक भवनों वाला बड़ा गिरजाघर जहाँ साधु समाज के और या साध्वी समाज के सदस्य रहते हैं या फिर कभी रहा करते थे। उसके बाद है अबोट। साधु समाज का प्रमुख पुरुष में, यानी कि साधु समाज का जो प्रमुख है, पुरुष प्रमुख है, उसको अबोट कहते हैं। एबडिकेट साम्राज्य या साम्राज्ञी पद का त्याग करना। एबडिकेट का मतलब है सम्राट या साम्राज्ञी पद का त्याग करना। एबडक्ट किसी को पकड़कर गैरकानूनी रूप से ले जाना। एबडक्ट का मीनिंग होता है किसी को पकड़कर गैरकानूनी रूप से ले जाना। एब्रेशन का मतलब होता है कोई तथ्य कार्य या व्यवहार जो सामान्य से हटकर हो और जो अस्वीकार्य हो। एब्रेशन का मतलब होता है कोई तथ्य कार्य या व्यवहार जो सामान्य से हटकर हो और जो अस्वीकार्य हो। अबेट। अबेट का मतलब होता है देखिए। अबेट का मतलब होता है देखिए। ABET अबेट। अबेट का मतलब होता है देखिए। अभोर। अभोर का मतलब होता है अत्यधिक घृणा करना। अभोर ABHOR का मतलब होता है अत्यधिक घृणा करना। उसके बाद है अभोरेंस। ABHOR RRENCE का मतलब होता है घृणा का प्रबल भावना। ABHOR RRENCE अवरेंस का मतलब होता है घृणा का प्रबल भावना। उसके बाद है अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को घृणा करना। अवॉइड ABIDE अवॉइड का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु से घृणा करना। उसके बाद है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है अत्यधिक दयनीय और निराशाजनक। एब्जेक्ट का मतलब होता है अत्यधिक दयनीय और निराशाजनक। एब्लेशन। एब्लेशन का मतलब है सूर्य वायु या वर्षा के कारण बर्फ या चट्टान के बड़े खंडों को पहुंची क्षति। एब्लेशन ABLATION एब्लेशन का मतलब है सूर्य वायु या वर्षा के कारण बर्फ के चट्टानों के बड़े खंड को पहुंची क्षति। अब्लेज ABLAZE एब्लेज का मतलब है तेजी से जलता हुआ या पूरी तरह से आग की लपेट में। अब्लेज ABLAZE अब्लेज का मतलब है पूरी तरह से जलता हुआ या पूरी तरह से आग की लपेट में। अब्लेज का मतलब है तेजी से जलता हुआ या पूरी तरह आग की लपेट में। लेट्स रिपीट। नमस्कार भाई लोग। तो हम आज जो है वर्ड मीनिंग याद करेंगे, कुछ वर्ड मीनिंग साथ में याद करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस से हो जाएगा ये कि याद हो जाएगा हमें वो अच्छे से। तो शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है अबैक। अबैक का मतलब होता है देखिए। दूसरा है अबैकस। अबैकस एक खेलने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है छोटे बच्चों के लिए, जिससे कि आप जोर घटाओ और भागा सीखते हैं बचपन में। उसके बाद है अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है किसी प्राणी या वस्तु को सदा के लिए छोड़ देना जिसका दायित्व तो आप पर हो। उसके बाद है अबैंडन्ड। अगर आपने पहले ही उस वस्तु को छोड़ दिया है तो यानी कि आपने उसे अबैंडन्ड कर दिया है। उसके बाद आता है अवेस्ट। अवेस्ट किसी पर लज्जित या शर्मिंदा।
अवेस्ट का मतलब होता है किसी पर लज्जित या शर्मिंदा। अगर आप किसी पर लज्जित या शर्मिंदा है तो यानी कि आप अवेस्ट है। उसके बाद है अबेट। अबेट का मतलब प्रकोप या प्रभाव का कम हो जाना या कम करना। अबेट का मतलब है प्रकोप या प्रभाव का कम हो जाना या कम करना। आगे है अबेस। ईसाई या धार्मिक समाज की प्रमुख महिला को अवेस कहते हैं। ईसाई या धार्मिक समाज की प्रमुख महिला को अवेस कहते हैं। उसके बाद है एबे। अनेक भवनों वाला बड़ा गिरजाघर जहां साधु समाज और साध्वी समाज के सदस्य रहते हैं या थे। यानी कि अनेक भवनों वाला बड़ा गिरजाघर जहां साधु समाज के और या साध्वी समाज के सदस्य रहते हैं या फिर कभी रहा करते थे। उसके बाद है अबोट। साधु समाज का प्रमुख पुरुष में, यानी कि साधु समाज का जो प्रमुख है, पुरुष प्रमुख है, उसको अबोट कहते हैं। एबडिकेट, साम्राज्य या साम्राज्ञी पद का त्याग करना। एबडिकेट का मतलब है सम्राट या साम्राज्ञी पद का त्याग करना। एबडक्ट, किसी को पकड़कर गैरकानूनी रूप से ले जाना। एबडक्ट का मीनिंग होता है किसी को पकड़कर गैरकानूनी रूप से ले जाना। एब्रेशन का मतलब होता है कोई तथ्य, कार्य या व्यवहार जो सामान्य से हटकर हो और जो अस्वीकार्य हो। एब्रेशन का मतलब होता है कोई तथ्य, कार्य या व्यवहार जो सामान्य से हटकर हो और जो अस्वीकार्य हो। अबेट, अबेट का मतलब होता है देखिए। अबेट, अबेट का मतलब होता है देखिए। ABET, अबेट, अबेट का मतलब होता है देखिए। अभोर, अभोर का मतलब होता है अत्यधिक घृणा करना। अभोर, ABHOR का मतलब होता है अत्यधिक घृणा करना। उसके बाद है अभोरेंस, ABHOR RRENCE का मतलब होता है घृणा का प्रबल भावना। ABHOR RRENCE, अभोरेंस का मतलब होता है घृणा का प्रबल भावना। उसके बाद है अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को घृणा करना। अवॉइड, ABIDE, अवॉइड का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु से घृणा करना। उसके बाद है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है अत्यधिक दयनीय और निराशाजनक। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब होता है अत्यधिक दयनीय और निराशाजनक। एब्लेशन, एब्लेशन का मतलब है सूर्य, वायु या वर्षा के कारण बर्फ या चट्टान के बड़े खंडों को पहुंची क्षति। एब्लेशन, ABLATION, एब्लेशन का मतलब है सूर्य, वायु या वर्षा के कारण बर्फ की चट्टानों के बड़े खंड को पहुंची क्षति। अब्लेज, ABLAZE, अब्लेज का मतलब है तेजी से जलता हुआ या पूरी तरह से आग की लपेट में। अब्लेज, ABLAZE, अब्लेज का मतलब है पूरी तरह से जलता हुआ या पूरी तरह से आग की लपेट में। अब्लेज, अब्लेज का मतलब है तेजी से जलता हुआ या पूरी तरह आग की लपेट में। लेट्स रिपीट। नमस्कार भाई लोग, तो हम आज जो है वर्ड मीनिंग याद करेंगे, कुछ वर्ड मीनिंग साथ में याद करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस से हो जाएगा ये कि याद हो जाएगा हमें वो अच्छे से। तो शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है अबैक। अबैक का मतलब होता है देखिए। दूसरा है अबैकस। अबैकस एक खेलने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है छोटे बच्चों के लिए, जिससे कि आप जोर घटाओ और भागा सीखते हैं बचपन में। उसके बाद है अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है किसी प्राणी या वस्तु को सदा के लिए छोड़ देना जिसका दायित्व तो आप पर हो। उसके बाद है अबैंडन्ड। अगर आपने पहले ही उस वस्तु को छोड़ दिया है तो यानी कि आपने उसे अबैंडन्ड कर दिया है। उसके बाद आता है अवेस्ट। अवेस्ट किसी पर लज्जित या शर्मिंदा। अवेस्ट का मतलब होता है किसी पर लज्जित या शर्मिंदा। अगर आप किसी पर लज्जित या शर्मिंदा है तो यानी कि आप अवेस्ट है। उसके बाद है अबेट। अबेट का मतलब प्रकोप या प्रभाव का कम हो जाना या कम करना। अबेट का मतलब है प्रकोप या प्रभाव का कम हो जाना या कम करना। आगे है अबेस। ईसाई या धार्मिक समाज की प्रमुख महिला को अवेस कहते हैं। ईसाई या धार्मिक समाज की प्रमुख महिला को अवेस कहते हैं। उसके बाद है एबे। अनेक भवनों वाला बड़ा गिरजाघर जहाँ साधु समाज और साध्वी समाज के सदस्य रहते हैं या थे। यानी कि अनेक भवनों वाला बड़ा गिरजाघर जहां साधु समाज के और या साध्वी समाज के सदस्य रहते हैं या फिर कभी रहा करते थे। उसके बाद है अबोट। साधु समाज का प्रमुख पुरुष में, यानी कि साधु समाज का जो प्रमुख है, पुरुष प्रमुख है, उसको अबोट कहते हैं।
एबडिकेट, साम्राज्य या साम्राज्ञी पद का त्याग करना। एबडिकेट का मतलब है सम्राट या साम्राज्ञी पद का त्याग करना। एबडक्ट, किसी को पकड़कर गैरकानूनी रूप से ले जाना। एबडक्ट का मीनिंग होता है किसी को पकड़कर गैरकानूनी रूप से ले जाना। एब्रेशन का मतलब होता है कोई तथ्य, कार्य या व्यवहार जो सामान्य से हटकर हो और जो अस्वीकार्य हो। एब्रेशन का मतलब होता है कोई तथ्य, कार्य या व्यवहार जो सामान्य से हटकर हो और जो अस्वीकार्य हो। अबेट का मतलब होता है देखिए। अबेट का मतलब होता है देखिए। ABET अबेट का मतलब होता है देखिए। अभोर का मतलब होता है अत्यधिक घृणा करना। अभोर ABHOR का मतलब होता है अत्यधिक घृणा करना। उसके बाद है एबहोरेंस ABHORRENCE का मतलब होता है घृणा का प्रबल भावना। ABHORRENCE अवरेंस का मतलब होता है घृणा का प्रबल भावना। उसके बाद है अवॉइड का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को घृणा करना। अवॉइड ABIDE अवॉइड का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु से घृणा करना। उसके बाद है एब्जेक्ट का मतलब होता है अत्यधिक दयनीय और निराशाजनक। एब्जेक्ट का मतलब होता है अत्यधिक दयनीय और निराशाजनक। एब्लेशन का मतलब है सूर्य, वायु या वर्षा के कारण बर्फ या चट्टान के बड़े खंडों को पहुंची क्षति। एब्लेशन ABLATION एब्लेशन का मतलब है सूर्य, वायु या वर्षा के कारण बर्फ के चट्टानों के बड़े खंड को पहुंची क्षति। ABLAZE एब्लेज का मतलब है तेजी से जलता हुआ या पूरी तरह से आग की लपेट में। ABLAZE का मतलब है पूरी तरह से जलता हुआ या पूरी तरह से आग की लपेट में। ABLAZE का मतलब है तेजी से जलता हुआ या पूरी तरह आग की लपेट में।